आदेश माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। यक्षिणी साधना एक ऐसी साधना है जो हर तांत्रिक, हर अघोरी चाहता है कि जीवन में एक बार जरूर करें। आखिर ये देव आत्मा है क्या, ये देव जीव है क्या, इसको देखने का एक लालसा हर एक साधक में, हर एक अघोरी में होती है। इसी लालसा के साथ एक बंगाल के साधक थे, वो भी लगे हुए। ये कहानी उनकी है, बहुत प्रचलित कहानी है, कि कई किताबों में भी इसका वर्णन है। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको सुना भी होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी बंगाल की है। बंगाल में एक साधक हुए, बहुत प्रसिद्ध साधक। जब वो साधना सीखने के लिए ललाहित थे तो अलग अलग गुरुओं के पास घूम रहे थे, तो कभी वो किसी डायन के पास चले जाए, कभी वो किसी अवघड़ के पास चले जाए, कभी वो किसी दसनामी साधु के पास चले जाए। मतलब जहाँ से ज्ञान मिल रहा था वो हर जगह से ज्ञान समेट रहे थे। इसी क्रम में उन्हें एक गुरु की प्राप्ति हुई जिन्होंने उनको एक साधना बताया, लेकिन गुरु स्थान पर वो साधना करना संभव नहीं था, तो उनको बोला गया कि आप कोई ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पर लोग ना रहते हो, बिल्कुल ही एक ऐसी जगह जहाँ लोग आने से डरे। बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जो कि अकेले में करने से ज़्यादा फलीभूत होती हैं। ये बहुत खुश नहीं थे इस विषय से, क्योंकि इनको लग रहा था कि एक आराम का जीवन आश्रम में है और वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा अगर ये कहीं और साधना करने चले जाते। लेकिन झोला झक्कड़ उठाकर ये निकल गए जंगल में। जंगल में इनको एक टूटा हुआ महादेव का मंदिर दिखा, तो जब उस मंदिर को इन्होंने देखा तो इनको लगा कि शायद पहले यहाँ कोई रहता होगा। इन्होंने अपना डेरा डंटा वहीं डाल लिया, आसपास में गांव भी था, तो इनको लगा कि भोजन का व्यवस्था भी भिक्षाटन से हो जाएगा, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। शाम तक आराम किया, तब तक एक साधक वहां आ गए और उन्होंने बताया कि ये स्थान जो है उनका है। तो बात व्यवहार में इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे गुरु का आदेश है कि उनके स्थान पर रह के साधना करनी नहीं है हमें, तो आप हमें कृपया साधना करने का अवसर दें। इन्होंने बोला ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारा काम भी करना होगा। तो फिर वही बात हो गई, भोजन वोजन की व्यवस्था, कपड़ा धोना सब इनके जिम्मे था। लेकिन साधक जो इनके सानिध्य में आए थे वो बड़े ऊंचे स्तर के थे, वो रात्रि में साधना करने जाते थे। इनको रोक के जाते थे कि तुम अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ोगे जब तक हम साधना कर रहे हैं। और जब भी वो साधना करने जाते थे उस क्षेत्र का माहौल जो है पूरा बदल जाता था। वो जो जंगल का एक सुगंध होता है उसमें एक और खुशबू विराजमान हो जाती थी, और हर रात्रि को हमारे जो साधक थे उनको लगता था कि आखिर ये ऐसा क्या करता है, ऐसी कौन सी दैविक शक्ति को ये प्रकट कर लेता है कि जंगल की खुशबू बदल जाती है। एक दिन ये छुप करके देखने गया, तो जब इसने देखा तो इसने पाया कि बहुत ही सुंदर महिला उस साधक से मिलने आई, और उसके आते ही ऐसा लगा मानो कि जंगल में बसंत आ गया हो और पूरा जो है माहौल बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुगंधित हो गया। ये रोज फिर इस क्रिया को देखने जाते थे। ये दोनों साधक और वो जो महिला आती थी वो घंटों बात करती थी। पहले इसको लगा कि शायद कोई राज परिवार की महिला है जो छुपके साधु से मिलने आती है, लेकिन बाद में समझ में आया कि जिस तरीके से ये महिला प्रकट हो रही है ये कोई स्त्री नहीं हो सकती। धीरे धीरे और समझ में आया कि ये कोई दैविक शक्ति है,
और ये रोज उसको देखने जाता था क्योंकि ये उतनी ही सुंदर थी कि इसको रहा नहीं जाता था। ये हिम्मत भी नहीं कर पाता था पूछने की कि ये कौन है, ये कौन सी साधना है, क्योंकि छोटा साधक था उनके सामने। बस मनाता था कि कभी तो ऐसा हो कि उस स्त्री से ये भी बात कर सके, वार्तालाप कर सके, और कभी ना कभी भगवान सुनते हैं, इनकी भी सुन ली। एक दिन वहां के जमींदार के यहाँ कोई बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया अर्थात उनकी बेटी को भूत लग गया। तो वो दौड़ते हुए जो बड़े साधक थे उनके पास आए, बड़े साधक ने उनको भगा दिया, उनके लोगों को, कि हम कहीं नहीं जाते अपना स्थान छोड़ के। फिर जो लड़की के पिता थे वो खुद आए। अब साधक क्या होता है कि बाहर से कठोर अंदर से बड़े कोमल होते हैं, नारियल की तरह। तो जब उन्होंने वो वेदना सुनी लड़की के पिता की, तो वो पिघल गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आज जाऊंगा और रात में आपकी बच्ची को ठीक कर दूंगा। तब तक हमारे साधक, उन्होंने बोला कि स्थान का ध्यान रखना, साफ सुथरा रहना, सुरक्षित रहना। लेकिन हमारे साधक के मन में तो लड्डू फूट चुके थे। ये इंतजार कर रहे थे अब कब रात्रि होगी। इनके वस्त्रों को पहन करके और ये जा करके उसी स्थान पर बैठ के जहां वो रोज साधना करते थे, और जो तय समय था उस समय एक महिला आई कहीं से, आकाश मार्ग से शायद। और जैसे ही इनको देखा और इन्होंने उनको देखा, ये मूर्छित हो गए। वो जो शक्ति थी उसको वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। और जब उनकी आंख खुली तो जो बड़े साधक थे वो उनको बुखार से थोड़ा राहत मिले, इसलिए गर्म पट्टी, जो ठंडी पट्टी होती है, वो उनके सर पे लगा रहे थे। फिर ये मूर्छित हो गए। 2 दिन बाद उठे तो जो साधक थे उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो ये थोड़े तो शर्माए हुए थे, इनको लग रहा था कि अब मैं सत्य कैसे बताऊं। तो उन्होंने बोला, जो तुमने किया उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी, ये तुम्हें पता है ना? तो इन्होंने पूछा कि मैंने वो शक्ति ने आपको बता दिया कि मैं आपके जगह पर बैठा था? तो इन्होंने बोला, नहीं ऐसा नहीं था, तुम खुद बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहे थे और तुमने ही मुझे बताया कि तुम मेरे भेष में मेरे स्थान पर बैठे थे, और जब तुमने उस शक्ति को देखा तो तुम मूर्छित हो गए। इन्होंने बोला कि अब तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा। इन्होंने पैर पकड़ लिया कि हमें भी ऐसी शक्ति की साधना करा दो। एक 6 महीने का इनको जो बड़े साधक थे, जो अब इनके गुरु हो गए, उन्होंने एक विधान दिया और एक नदी के तट पर इनको बोला कि आप जाकर के किसी नदी तट पर ही रहना। आप बहुत खुशी खुशी हमारे साधक उस जंगल से निकले और एक गांव के बगल में एक नदी के तीर पर अपना एक छोटा सा कुटिया बनाया। और जितनी शक्ति थी और जो भी धन था सब एकत्रित करके साधना में जुट गए। शुरुआत में पूरे जोश के साथ, फिर धीरे धीरे जोश कम होता चला गया जैसे जैसे महीना बीतता चला गया। और जब 6ठा महीना आया तब तक ना कोई आभास हुआ, ना कोई यक्षिणी दिखी, और ना ही उनको कोई द्रव्य प्राप्त हुआ कि साधना आगे चल सके। कहीं ना कहीं उन्होंने मन में यह मान लिया कि गुरुजी ने हमें छल लिया। फिर भी वो जो पहले से मंत्र जानते थे, जो तंत्र जानते थे, जो साधनाएं जानते थे, वो बैठ करके और वहां पर निरंतर करते रहते थे। कुछ दिनों बाद, एक आध महीने बाद, अचानक रात्रि का माहौल बदल गया और फिर उनको वैसी ही खुशबू आने लगी जैसे जंगल में आता था। मामला बस यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। जो दिव्य स्त्री उनको उस जंगल में दिखती थी अपने गुरु के साथ, वो वहां प्रकट हुई और
इनको अपना परिचय दिया कि मैं अमुक यक्षिणी हूँ और आपकी साधना से प्रसन्न होकर के मैं यहाँ आई हूँ। आपको जो जो वस्तुएं चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं, जो ज्ञान चाहिए आपको मुझसे मांग सकते हैं। तो गुरु ने पहले बता के रखा था कि कभी भी वस्तु मत मांगना, जब मांगना तो ज्ञान ही मांगना। तो उस दिन के बाद से इनको भी वही आनंद आने लगा जो इनके गुरु को आता था। रोज रात्रि में एक तय समय पर उस नदी तट का पूरा वातावरण बदल जाता था और वो यक्षिणी बिल्कुल देवी स्वरूप, इतनी सुंदर जितनी की कोई भी स्त्री नहीं हो सकती है, वैसी एक यक्षिणी इनसे मिलने हमेशा आया करती थी और उनको रोज कोई ना कोई कहानी सुनाती थी और नई नई चीजें, दूसरी दुनिया की बातें ये उनको बताती थी। और ये बाबा बन करके उस नदी के तीर पर रहते थे। इनको गांव वाले भी देखते थे कि कोई औघड़ यहां पर विचर रहा है, कोई औघड़ यहां पर रह रहा है। एक दिन जो नदी में कपड़े साफ करने आती थी उनमें से एक महिला ने इनके पास आकर अपनी व्यथा रखी कि घर में ये समस्या है, बाबा जी अगर कुछ दे देते तो ठीक हो जाता। तो इन्होंने पूरी उसकी समस्या सुनी और फिर इनको बोला कि अमुक दिन आना, मैं तुम्हारा निराकरण कर दूंगा। फिर रात्रि हुई, आज की रात जो थी वो अन्य रातों से बहुत भिन्न थी। मेघ गरज रहे थे, आंधी तूफान का मौसम था, मानो कि पूर्णिमा में ग्रहण लग गया। जो वातावरण था वो पूरा दूषित हो गया, पूरा गंध। और जब तय समय पर यक्षिणी आई तो वो कोई बहुत सुंदर बाला नहीं थी, कोई दिव्य कन्या नहीं, बल्कि एक राक्षसी के रूप में दिख रही थी। उसने साधक को बोला, तो अब और महिलाओं का भी समस्या तुम दूर करते हो, हमारा भी थोड़ा कर दो। तो ये समझ गया कि ये जो यक्षिणी है ये नाराज है क्योंकि किसी पराई स्त्री से इन्होंने बात किया। बोला कि अगर उस महिला की हत्या हो जाए तो लोग तुम्हें ही पकड़ेंगे। इसको डराना शुरू किया। फिर बोला कि इससे ज़्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि तुम दोनों की हत्या हो जाए और नग्न अवस्था में तुम लोगों की लाश जो है नदी के तीर पर मिले। साधक बात समझ गए, उनसे माफ़ी मांगी और बोली आज के बाद ये गलती कभी भी नहीं होगी, किसी भी पराए स्त्री से मैं जो है वार्तालाप नहीं करूँगा। यक्षिणी खुश हुई, फिर माहौल बदला, फिर सुगंध फैला, फिर वो दिव्य स्त्री दिखने लगी और इनसे वादा लिया कि आइंदा ऐसी भूल कभी नहीं होगी। अब डर के या खुशी से ये फिर उस जीवन को जीने लगे। एक दिन यक्षिणी आई और बोली कि अब मैं तुम्हें दूसरे दुनिया में ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक परीक्षा होगी और मुझे लगता है कि तुम उसमें उत्तीर्ण नहीं हो गए तो तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। इन्होंने बोला ऐसा कोई भी समय नहीं है, ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जो आपके लिए मैं उत्तीर्ण ना हो, आप परीक्षा होने दो। इसके बाद यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई। दो तीन दिन बाद कुछ लोग इनको खोजते हुए आए, इनके घर वाले। तो गांव वाले ने इनको दिखाया तो ये बिल्कुल ही बुरी अवस्था में, फटे चिटे कपड़े, बिना स्नान ध्यान किए, उस नदी के किनारे एक ऐसे ही छपरा डाल करके बैठे हुए थे। इनको ले गए वो, इनको साफ वाफ किया और फिर इनको घर वापस ले गए। तो इन्होंने बताया कि हम तो यहाँ पर यक्षिणी साधना कर रहे थे, रोज यक्षिणी हमें ज्ञान देती थी। तो इनके घर वालों ने बताया कि हमें पता है कि तुम क्या कर रहे थे, गांव वाले सब जानते हैं कि तुम पगला हो, पागल हो, रात में खुद से बातें करते हो बैठ के घंटों, सामने कोई रहता भी नहीं है, ना खाते हो ना पीते हो, इसलिए तुम्हें अब घर चलना ही होगा। और साधक बिल्कुल असमंजस में पड़ गए क्योंकि वो यक्षिणी से बात करते थे और लोगों को लगता था कि वो वहाँ पर कोई है ही नहीं, जबकि गुरु जब साधना करते थे तो इनको तो वो महिला दिखती थी। तो इन्हें यक्षिणी सिद्ध हुई कि नहीं हुई ये इनको अंतिम तक
खुद पर एक संदेह रह गया। ऐसे ही होती है एक्चुअली साधना। जो साधनाएं जब आप तंत्र में करते हैं, जब आप पारलौकिक साधनाएं करते हैं, तो आपको ये पता नहीं होता है जो आप साधना कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो सत्य है, और दूसरा जो आप देख रहे हैं उसको कभी भी आप शब्दों में वर्णन नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान काल भैरव आप सभी को सदबुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना है। सभी को आदेश आदेश।